गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था वर्णमाला स्वर। क्या पढ़ा था? वर्णमाला स्वर। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम क्या करेंगे? ये वर्क करेंगे। क्या करेंगे? ये वर्क करेंगे खेल खेल में। ये खेल खेल में ये अच्छे से वर्क करेंगे। ओके, तो आज हम ये अच्छे से वर्क करते हैं। ये क्या है? ऊ से उल्लू। तो इसको किससे मिलाना है? ऊ से मिलाना है। किससे मिलाना है? ऊ से मिलाना है। कल हमने पढ़े थे ना स्वर। ये क्या है? अनार। किससे होता है अनार? ऐसे क्या होता है? ऐसे अनार। ओके, और ई से क्या होती है? ई से इमली। क्या होती है ई से? तो इसको किससे मिलाना है? इसको इमली से मिलाना है। बड़े ऊ से क्या होता है? बड़े ऊ से क्या होता है? बड़े ऊ से, बड़े ऊ से ऊन। क्या होता है बड़े ऊ से? ऊन। तो इसको किससे मिलाना है? ऊन से मिलाना है। री से क्या होते हैं? री से ऋषि। री से ऋषि। तो इसको किससे मिलाओगे? इसको ऋषि से मिलाओगे। आई से, आई से ऐनक। आई से क्या होता है? आई से ऐनक। ओ से क्या होता है? ओ से ओंखली। ओ से, ओ से ओंखली। आउ से क्या होता है? आउ से, आउ से औरत। आउ से क्या होता है? आउ से औरत। तो इसको किससे मिलाना है? औरत से मिलाना है। अंग से क्या होता है? अंग से अंगूर। अंग से अंगूर। तो इसको किससे मिलाना है? अंगूर से मिलाना है। और आपको क्या करना है? आपको अभी ऐसे आपकी बुक के अंदर वर्क करना है। क्या करना है? वर्क करना है। जैसे इसमें मैंने मिलाया वैसे ही क्या करना है? आपको अपनी बुक के अंदर मिलाने अच्छे से। ओके ओके बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं। चित्र पहचान कर उनके नाम के प्रथम स्वर पर गोला लगाइए। क्या करना है? चित्र पहचान कर उनके नाम के प्रथम स्वर पर गोला लगाइए। ये क्या है? आ से आग। आ से आग। तो इसमें किस पे गोला लगाया हुआ है? आ पे। और ये क्या है? ई से इख। ई से इख। तो इसमें किस पे लगाओगे? ई पे। ओके, ये क्या है? आउ से औजार। आउ से औजार। तो इसमें किस पे गोला लगाओगे? आउ पे। किस पे लगाओगे? आउ पे। ये क्या है? ओ से ओंखली। क्या है? ओ से ओंखली। तो इसमें किस पे गोला लगाओगे? ओ पे। किस पे लगाओगे? ओ पे। ये क्या है? ओ से ओंखली। क्या है? ओ से ओंखली। तो इस पे, इसमें आप किस पे गोला लगाओगे? ओ पे। ये क्या है? ए से एक तारा। क्या है ये? ए से एक तारा। तो किस पे गोला लगाओगे? ए पे। ये क्या है? ये क्या है? ऊ से उफवार। ऊ से उफवार। तो किस पे गोला लगाओगे? ऊ पे। किस पे लगाओगे? ऊ पे। ये क्या है? ई से इमारत। ई से इमारत। तो किस पे गोला लगाओगे? ई पे। किस पे लगाओगे? ई पे। और ये क्या है? ए से एडी। क्या है? ए से एडी। तो किस पे गोला लगाओगे? ए पे। ये क्या है? री से ऋषि। क्या है? री से ऋषि। तो किस पे गोला लगाओगे? री पे। किस पे लगाओगे? री पे। ओके, अब हमको क्या करना है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्वरमाला पूरी लिखिए। क्या करना है इसमें? स्वरमाला लिखनी है। क्या लिखनी है? स्वरमाला। कल हमने अच्छे से स्वरमाला पढ़ी थी, आज हमको क्या करना है? इसमें अच्छे से लिखना है, अच्छे से राइट करना है। ओके, आपको भी अपनी बुक के अंदर ऐसे ये वर्क करना है और ऐसे स्वरमाला को अच्छे से लिखना है। ओके, ऐसे अनार के बाद में क्या आता है? आ से आम।
आ से आम, आ से आम के बाद में क्या आता है? ई से इमली, ई से इमली के बाद में ई से इख, बाद में ऊ से उल्लू, बाद में ऊ से ऊन, बाद में री से ऋषि, बाद में ए से एडी, बाद में आई से एनख, बाद में ओ से ओंखली, बाद में औ से औरत, बाद में अंग से अंगूर, और बाद में अह से खाली। ओके, तो आपको क्या करना है अपने घर पे ये स्वरमाला अपनी बुक में अच्छे से राइट करनी है। ओके, और इनको बार बार अच्छे से क्या करना है, अच्छे से स्पीक करना है, क्या करना है, अच्छे से स्पीक करना है। ओके बच्चों, ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर। ओके, आप क्या करोगे, इनको अच्छे से राइट करोगे और इनको अच्छे से स्पीक करोगे। ओके ओके, थैंक यू बच्चों।